दिल्ली में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी समेत कई नेताओं का हल्ला बोल। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का लगाया आरोप। बीजेपी के प्रदर्शन में बीजेपी सांसद रूपा गांगुली भी हुई शामिल। का मां के नाम पर ममता कलंक है। वोट ना देने पर कुचल कर हत्या कराती है। बंगाल पुलिस ममता सरकार की दलाली करती है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं की हत्या का लगाया आरोप। कानून व्यवस्था पर भी उठाए सवाल। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं की हो चुकी है हत्या। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया आह्वान। 8 दिन से धरने पर है केजरीवाल और दिल्ली सरकार के कई मंत्री। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ कांग्रेस का जल सत्याग्रह आंदोलन। अजय माकन की अगुवाई में सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। दिल्ली सरकार पर लगाया काम नहीं करने का आरोप। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा सरकार बेनकाब हो गई है। विपक्ष का काम सरकार करेगी तो काम कौन करेगा। केजरीवाल का धरना प्रदर्शन का आज 8वां दिन है और इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। बता दें केजरीवाल के धरने का आज 8वां दिन। अनशन पर बैठे केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन की हालत में सुधार। तबियत बिगड़ने पर कल एलएनजीपी के आईसीयू में कराया गया था भर्ती। दिल्ली में ममता बनर्जी समेत 4 सीएम के खिलाफ आपराधिक शिकायत। एलजी को गैर कानूनी काम के लिए मजबूर करने में केजरीवाल को उकसाने का आरोप। रेप के आरोपी दाती दिल्ली क्राइम ब्रांच के सामने होंगे पेश। पुलिस के नोटिस पर दोपहर 2 बजे जवाब देने के लिए होंगे हाजिर। रेप के आरोपी दाती महाराज को लेकर एक और खुलासा जांच में सामने आया। राजस्थान में दाती के आश्रम से करीब 600 लड़कियां गायब। पुलिस के मुताबिक दाती ने अपने आश्रम में 700 लड़कियों के होने का किया था दावा। इस बात की जांच जारी कि आश्रम में रह रही लड़कियों को दाती ने हटाया है या फिर छुट्टियों पर वो अपने घर गई है। आतंकी हमलों के बहाने शिवसेना ने रक्षा मंत्री पर उठाए सवाल। निर्मला सीतारमण को बताया कमजोर और निष्क्रिय। सामना में पूछा देश में सचमुच रक्षा मंत्री है क्या। तेलंगाना में टीआरएस नेता की गुंडागर्दी। संपत्ति विवाद में एक महिला को लात से मारने का आरोप। लात मारने का वीडियो वायरल। महिला की शिकायत पुलिस ने दर्ज की। पीएनबी घोटाले में फरार आरोपी नीरव मोदी के ट्रेन से लंदन से ब्रसेल्स जाने की खबर। किसी भी अधिकारी को बिना सूचना दिए हुआ फरार। भारत में लुकआउट नोटिस जारी। रेड कॉर्नर नोटिस अभी जारी नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के नौशहरा सेक्टर में सीज फायर के उल्लंघन में शहीद हुए सेना के जवान विकास गुरु को दी गई श्रद्धांजलि। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी जवान को श्रद्धांजलि अर्पित। कश्मीर में सीज फायर खत्म होने के बाद पहले ऑपरेशन में बांदीपुरा में 2 आतंकी मारे गए। सेना के शहीद जवान औरंगजेब के घर पुंछ जाएंगे आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत। पाकिस्तान के स्नाइपर्स को जवाब देने के लिए भारत भी तैयार कर रहा है स्नाइपर्स की फौज। बॉर्डर पर नापाक फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब देंगे बीएसएफ के स्नाइपर्स। पाक सेना की मदद से आतंकियों ने बॉर्डर पर तैनात किए स्नाइपर्स। मुस्लिमों में भरोसा पैदा करने के लिए अभी बहुत कुछ करना होगा बीजेपी को। एक इंटरव्यू में बोले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा 70 साल में विरोधियों ने बीजेपी के खिलाफ जहर भर दिया है। मुस्लिमों में इससे हटाने के लिए और मेहनत करने की जरूरत। 2019 के चुनाव में ट्रिपल तलाक भी होगा बीजेपी का चुनावी मुद्दा। नकवी बोले मुस्लिमों की बेहतरी के लिए किए काम भी बताएंगे हम। मुस्लिमों पर नकवी के बयान को बीएसपी ने घड़ियाली आंसू बताया। सुधींद्र भदौरिया ने कहा 4 साल तो मुस्लिमों को डराती रही बीजेपी। नेपाल में 3700 मीटर की ऊंचाई पर योग करते नजर आए सैलानी। मशहूर मुक्तिनाथ मंदिर के सामने किए योग के कई आसन। महिलाएं और बुजुर्गों ने भी योग में लिया हिस्सा। छत्तीसगढ़ में गरियाबंद में ऑपरेशन गर्जना से महिलाओं को सशक्त बनाने की पहल। 7 दिन के प्रशिक्षण शिविर में स्कूली छात्राओं को सिखाए गए आत्मरक्षा के गुर। गरियाबंद में ब्लैक बेल्ट ट्रेनर बरकर राजपूत ने अपनी टीम के साथ दी ट्रेनिंग। एसपी ने की पहल की तारीफ। राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क में 2 टाइगरों के बीच में जबरदस्त लड़ाई का वीडियो सामने आया है। दोनों ने एक दूसरे पर हमला किया। तस्वीरों में साफ नजर आया बाघों में किस तरह से लड़ाई हुई। दिल्ली वालों को प्रदूषण से मिली थोड़ी राहत। पिछले 6 दिनों के मुकाबले हवा की गुणवत्ता में सुधार। नॉर्थ ईस्ट में लगातार बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात। अब तक 23 लोगों की गई जान।
असम के गुवाहाटी में तेजी से बढ़ रहा है ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर, करीब 4 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं।